नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नेताजी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग के साथ 126 मीटर तिरंगा 126 पौंड की माला से मना बोस का जन्मोत्सव। विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति के तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मोत्सव मनाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सफाई के बाद गंगा जल से स्नान कराया गया। उसके तत्पश्चात नेताजी के 126वें जन्मोत्सव पर 126 मीटर तिरंगा पहनाने के पश्चात 126 पौंड की दिव्य माला पहनाकर साथ ही 126 प्रकार की मिठाई वितरण की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संरक्षक डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी ने कहा कि रघुवंश हिंदू के नेतृत्व में 23 जनवरी 2019 के उस मांग को दोहराया जब 11 क्विंटल व 13 किलोमीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, जो अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड है। कार्यक्रम में डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी, गुरुद्वारा प्रमुख सरदार जसपाल सिंह, केंद्रीय संयोजक रघुवंश हिंदू, रामदेव सिंह, योगेंद्र सिंह, राधेश्याम चंद, ओम प्रकाश सिंह अध्यक्ष, दिलीप शाही, वैद्य सुरेंद्र प्रसाद हिंदू, डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव, डॉक्टर सुधाकर श्रीवास्तव, कवि निर्भय निनाद, गोविंद तिवारी, विजय नारायण मिश्रा, इंद्रजीत सिंह चंदेल, विजय शंकर मिश्रा, स्वामी डॉक्टर विनय आचार्य, ओम प्रकाश पांडे, गोविंद तिवारी, वीरेंद्र पांडे, के पांडे, चंद्रकिशोर शर्मा, रघुवंश हिंदू विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। रिपोर्ट सुनील पाठक। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।